वेलकम बैक टू द ट्रैवल वर्ल्ड ऑफ हितेश। और आज मैं हूँ भारत दर्शन पार्क विच इज़ इन पंजाबी बाग। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने इंडिया की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को बनाया है प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए, दिल्ली का टूरिज्म और इन लोकेशंस का टूरिज्म बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ आने का बेस्ट तरीका है, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो सबसे पास का स्टेशन भी आपका पंजाबी बाग ही पड़ता है। ये पंजाबी बाग में ही है, ESI स्टेशन आएगा, उसके बाद पंजाबी बाग का स्टेशन आता है पिंक लाइन में। और यहाँ आने के बाद आपको खाने पीने के लिए अंदर मिल जाएगा। एंट्री टिकट जो है उसके चार्जेस वीकेंड पे है 150 रुपीज़ और वीकडेज में है 100 रुपीज़। मंडे को बंद होता है, मंडे को मत आ जाना, वापस जाना पड़ेगा। और हवा महल के बाद है गोल गुंबद, जो कि देश का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबद से दो कदम आगे जाके आता है अपना कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से रिलेटेड मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। और यहाँ पे सिटिंग्स वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब कि पता लग रहा है कि सरकार ने अच्छे से कुछ बनाया है एंड दे आर प्रमोटिंग इट। सोलर पैनल्स वगैरह को भी इन्होंने प्रमोट किया है, लाइक अ लीफ, नेचर से कनेक्टिविटी के लिए। ये कुतुब मीनार है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। कुतुब मीनार के साथ ही है नालंदा यूनिवर्सिटी। एक्चुअली ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भारत दर्शन में ये ऑलरेडी तैयार है। इसको आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं और आपको पता लगेगा कि कितना कुछ छुपा हुआ है अपने इंडिया में। और जगह जगह ये सिटिंग वगैरह का जो बनाया हुआ है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ मैं पर्सनली भी गया हूँ, चेन्नई साइड में पड़ता है ये, साउथ साइड में है, और ये बहुत सुंदर है। इसका नक्काशी वगैरह इतनी अच्छी होती है यहाँ पे कि बस आप एक बार यहाँ जाओगे तो आप देखते रह जाओगे। ये देखिए इस तरीके की नक्काशी है यहाँ पे। और ये बनाने का रीज़न यही है कि पूरे इंडिया को एक तरीके से यहीं से प्रमोट करने के लिए, टू जनरेट रेवेन्यू, की टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे जाए, टूरिज़्म थोड़ा बढ़े, जो कोविड की वजह से काफ़ी कम हो गया है। ये देखिए इस तरीके की नक्काशी है। अब शिव जी के भक्तों तो इस जगह को तो पहचान ही गए होंगे। हाँ, ये है बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ टेम्पल। वैसे उत्तराखंड में है लेकिन अभी दिल्ली में भी है। और बद्रीनाथ टेम्पल है, देन साथ में ये एक बड़ा सा इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, देन आगे एक और टेम्पल वगैरह है, पीछे मीनाक्षी टेम्पल था। तो ओवरऑल बहुत सुंदर जगह लग रही है। टेम्पल के साथ ही है द्वारकाधीश का टेम्पल, यहाँ भी मैं पर्सनली भी गया हूँ। ये पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात में भी ये इतना इजीली नहीं है आप यहाँ पे पहुँच सकते। यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए बोटिंग करनी होती है, बोट आपको लेके जाएगी, देन ये बिल्कुल ही अलग एक आइलैंड पड़ता है, देन बोट में आप वापस आओगे वहाँ पे दर्शन वगैरह करके, उसके बाद आपकी यात्रा पूरी होती है, जिसे बेट द्वारका भी बोला जाता है। आगे जाके आता है रामेश्वरम टेम्पल, यहाँ भी मैं गया हूँ। और ये टेम्पल इंडिया के लास्ट टेम्पल्स में से, मतलब कि सबसे सदर्न पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि ये पड़ता है आपका कन्याकुमारी के पास। इसके पीछे का सनराइज़ एंड सनसेट मैंने प्रैक्टिकली देखा है और वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग लगता है वहाँ पे जाके। उसके बाद आता है जगन्नाथ मंदिर विच इज़ इन पुरी। और ये मंदिर चार धाम जो है इंडिया के उनमें से एक है। और जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो आपको पता ही होगा कितनी फेमस है। बाकी यहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आगे आपको महाबत महल मिलेगा, सांची स्तूपा मिलेगा, विक्टोरिया मेमोरियल मिलेगा, हम्पी है। तो चलो देखते हैं क्या है। और ये मुड़ते ही यहाँ पे कुछ अजूबा सा है, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, देखते हैं क्या है। ये है महाबत पैलेस। बहुत पहले से अपनी जगह है, यहाँ पे आके लग नहीं रहा कि ये दिल्ली का पार्ट है, और बाहर इतना ट्रैफिक, इतना शोर है,
क्योंकि ये जगह ही अपने आप में इतनी सुंदर लग रही है, इतनी वेल मेंटेन्ड साफ सुथरी जगह है कि बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी यहाँ पे आओगे अच्छा लगेगा। बेस्ट टाइम यहाँ पे आने का है आप 4-5 बजे के अराउंड आओ, अपना थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, गर्मी इतनी होगी नहीं। उसके बाद साउंड एंड लाइट शो वगैरह शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अमेजिंग होती है। और उसके आगे यहाँ पे इन्होंने ये स्तूपा बनाया हुआ है, सांची का स्तूपा जिसे बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, इवन वर्ल्ड वाइड। नो डाउट आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता तो लगेगा हाँ सुंदर बना, लेकिन एक बार इस कारीगरी को ज़रूर देखना जो जगह जगह पे इन्होंने कर रखी है। इट इज़ नॉट डैट ईजी, ठीक है पहले के टाइम से भी ये चीज़ें बनी हुई है और ओरिजिनल में भी बहुत चीज़ें हो रखी हैं, बट यहाँ पे वो देखना भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरे जिसको कहते हैं ना तराशा हुआ एक तरीके से, वो काम हो रखा है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी ये दिल्ली के नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस में बनता जा रहा है। अभी आई थिंक जू है, देन हुमायूं टॉम वगैरह है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको खुले ही, कितना टाइम हुआ। और जिस हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल होता है सैटरडे संडे को, मतलब अलग ही लेवल की भीड़ होती है और बहुत सुंदर है, अवार्ड विनिंग प्लेस है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस वगैरह, हाइजीन वगैरह, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये विंटर्स इस बार के आते आते ये इंडिया तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिल्ली का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। कैलकटा अगर आप लोगों को नहीं है या आपने विजिट नहीं किया तो कम से कम यहाँ आपको विक्टोरिया पैलेस तो देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल, पूरे कैलकटा में ही नहीं पूरे वेस्ट बंगाल में। और अच्छा भी बना रखा है इन्होंने, नो डाउट कि वो वाइट कलर का है और यहाँ पे हर चीज़ इसी कलर की है, बिकॉज दे ऑल आर फ्रॉम द रिसाइकल प्रोडक्ट्स। आपको शायद पता होगा ये कुछ भी एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये अलग अलग रिसाइकल प्रोडक्ट्स की ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, जितनी भी हैं उनको आयरन में कन्वर्ट करके उस तरीके से सब बनाया हुआ है। तो ताजमहल जो है मार्बल का बना हुआ है, हम सबको पता ही है जैसे संगमरमर का, लेकिन वेस्ट वंडर में और यहाँ पे हमें अलग ताजमहल देखने को मिलते हैं जो कि हैं ब्लैक या आप कह सकते हैं ब्राउन कलर के। ये देखिए ये है ताजमहल। ये है मशहूर मैसूर पैलेस, द फेमस मैसूर पैलेस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा जो मैं कहता रीसाइकल प्रोडक्ट्स का, ये देख रहे हो ये है साइकिल के पैडल्स जिनसे ये बनाया गया है, देन नट बोल्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर उनसे वो बनाया गया है, देन साइकिल की चेन्स और कांच की बॉटल्स, इन चीज़ों का यूज़ किया गया है इन सारी जितने भी इमारतें हैं उनको बनाने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू देम कि इतनी मेहनत और इतना अच्छा है एक तरीके से कि रिसाइकल प्रोडक्ट जिनको हम सब फेंक देते हैं कूड़े में, उनको ये सेलेक्ट करके देन उनको छांट के उस तरीके से बनाया गया। आगे मेरे को दिख रहा है ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर कांच की बॉटल्स वगैरह के थ्रू इनको बैलेंस दिया गया, जो कहते हैं कि एक बिल्डिंग में लेंटर होता है वो इन चीज़ों से बनाया गया इसमें, और हर बिल्डिंग में ही इन सब चीज़ों का, इन कुछ बिल्डिंग्स में इनसे ज़्यादा का ही यूज़ किया गया है। और ये है हैदराबाद की शान जिसे बोला जाता है, चार मीनार की इमारत। अगर आप हैदराबाद गए हो तो यहाँ पे ज़रूर गए होगे, नहीं गए तो ज़रूर जाना, एक वॉच भी बनी हुई है यहाँ पर। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर, और हर मंदिर के बाहर इन्होंने ये घंटे लगाए हुए हैं। और ये है अजंता एलोरा केव्स, जिसमें अगेन इंजन पार्ट्स, बाइक इंजन, गियर्स, जेसीबी पार्ट्स वगैरह का यूज़ किया गया है। देखिए आप इस हाथी को देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड। ये देखिए सो डैट्स वाई अब इतनी तो हो गई है तरक्की कि चीज़ें जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उनसे बहुत ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और फिर बाद में उन्हीं को देखने आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं।
विच इज ओके। फोर आई शो यू कि लास्ट प्लेस कौन सी है इस पूरी लिस्ट में, जरा वो लाल बटन है उसको जो मर्जी करो उसको ब्लैक में कन्वर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और ये है खजुराहो मंदिर जो कि अपनी मूर्तियों और अपनी आर्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे किस तरीके से आर्ट की गई है लेट मी शो यू। इस तरीके से सारी आर्ट की गई है। अब वहाँ पे किस तरीके की ओरिजिनल में मूर्तियाँ हैं ये आपको, मेरे को सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है खजुराहो में। और यहाँ पे उनको किस तरीके से रीमॉडिफाई किया गया है वो आपके सामने है। सो लाइट्स ऑन होनी स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे लाइट ऑन होगी यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिस प्लेस। नाउ टाइम आ गया यहाँ से जाने का, लेकिन बिफोर आई गो विल टेल यू कि और भी बहुत सारी दिल्ली में जगह हैं घूमने के लिए जो मैंने कवर की हुई हैं, उसके लिए यू कैन क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट व्हिच यू आर सीइंग नाउ।